ठहाका लगाकर हंस दिए। कहने लगे, हे दशग्रीव रावण, तुम्हारी दृष्टि बड़ी पैनी है। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे बल के पीछे छिपे हुए बल को पहचान लिया कि मैं अपने बल से ऐसा नहीं कर सकता, इस बल के पीछे भी कोई बल कार्य करता है। आज मैं तेरी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, ये दशग्रीव तेरी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मैं बताता हूँ मेरे पीछे किसका बल है, वो रघुनाथ का बल है, प्रभु श्री राम का बल है। जाकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, झुक जाओ, तो क्षमा कर देंगे। लेकिन अहंकारी व्यक्ति कहाँ सुन पाता है, अहंकारी व्यक्ति तुष्ट नहीं हो सकता। और उसी समय रावण ने आदेश दिया, इसे मृत्यु दंड दे दो। विभीषण जी व्यथित हो गए, अपने स्थान से खड़े हुए, और जैसे ही अपने स्थान से खड़े हुए कहने लगे, दूत का वध उचित नहीं है, आप इसे कोई और दंड दे दीजिए। और उसी समय रावण ने आदेश दिया, इसका अंग भंग कर दो। और जैसे ही अंग भंग किया गया, हनुमान जी उन्हें बंधन में कौन बांध सकता है। भगवान महादेव पार्वती जी को कथा सुनाते कहते हैं, जिनके नाम से समस्त बंधन खुल जाते हैं, भला उन्हें कौन बंधन में बांध सकता है। और जैसे ही उनकी पूंछ को आग लगाने लगे, हनुमान जी ने जय श्री राम का जय घोष लगाया, और एक अटलिया से दूसरी, दूसरी से तीसरी करके पूरी लंका को जला दिया, और अग्नि का शमन किया और वापस लौट आए, माँ को प्रणाम किया, चूड़ामणि ली और वापस आए। जैसे ही वापस लौटे, जामन जी को सारा वृतांत सुनाया और प्रभु के चरणों में पहुंच गए, जाकर प्रणाम किया। और जामन जी ने बताया कि कैसे हनुमान जी ने इतने विशाल सागर को पार कर दिया, हनुमान जी ने ऐसे किया, हनुमान जी ने वैसे किया, सभी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रभु हनुमान से मिलना चाहते हैं। कहने लगे, हनुमान तुमने तो आज वो कर दिखाया जो कोई और कर ही नहीं सकता, मैं तो ऋणी हूँ तुम्हारा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, करने वाले आप ही हैं। प्रभु मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, ये तो आपकी कृपा थी। जब मैं श्री जानकी जी की खोज के लिए निकला था, तो आपने मुझे मुद्रिका दी थी, और उस मुद्रिका पे राम नाम अंकित था, और उसी नाम के सहारे मैं विशाल सागर को पार कर गया। प्रभु उसी नाम के सहारे मैं विशाल सागर को पार कर गया, इसमें मेरा कोई अपना बल नहीं है। प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे, अच्छा हनुमान, यदि जाते हुए मुद्रिका थी तो तुमने मुद्रिका तो श्री जानकी को दे दी, आते हुए तो तुम्हारे पास मुद्रिका नहीं थी, आते हुए तो तुमने अपने बल से ही सागर पार किया ना। अब भगवान भी भक्त की परीक्षा लेना चाहते। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, नहीं प्रभु, जाते समय आपकी मुद्रिका थी और आते समय माँ ने क्या किया, अपनी चूड़ामणि दे दी, मैं माँ की चूड़ामणि के सहारे पूरे सागर को पार कर गया, इसमें मेरा कोई बल नहीं है, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं। प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे, हनुमान जाते समय मुद्रिका के सहारे चले गए, आते समय चूड़ामणि थी, लेकिन जब लंका जलाई तब तो ना चूड़ामणि थी और ना ही मुद्रिका थी, वो तो तुमने अपनी ही शक्ति से जलाई होगी, अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा तुम बड़े शक्तिशाली हो। तो हनुमान जी प्रभु के भक्त हैं, कहने लगे, प्रभु ये भी असत्य है, ये भी सच नहीं है, क्योंकि लंका मैंने नहीं जलाई, लंका तो प्रभु श्री राम और जानकी के विरह से पहले ही जल चुकी थी, प्रभु उसमें भी मेरा कोई योगदान नहीं है। प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं और हनुमान जी झुकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं। किसी ने पूछा, हनुमान जी ऐसा क्यों, लोग तो प्रशंसा सुनना चाहते हैं और आप झुक रहे थे, आप तो प्रभु के चरणों में झुकते झुकते प्रभु के चरणों में ही गिर गए। तो हनुमान जी कहने लगे, जब प्रशंसा होती है ना तो व्यक्ति को चने के झाड़ पर लोग चढ़ा देते हैं, जब चढ़ते जाते हैं चढ़ते जाते हैं चढ़ते जाते हैं तो अंत में क्या होता है, अंत में तो गिरना ही होता है ना, कितना चढ़ लोगे। तो उन्होंने कहा, अब प्रभु तो मुझे चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये होगा इतनी ऊंचाई से गिरने का डर तो लगा रहता है ना बंदे को, और मेरे प्रभु तो ऐसे दयावान है कि वो मेरी प्रशंसा कर मुझे चढ़ा ही जा रहे थे, तो जब इतने ऊंचा चढ़ गया मैं तो मैंने सोचा कि अब गिरने का भय भी है, तो भय से मुक्ति पाने के लिए क्यों ना गिर जाऊं। तो मैंने सोचा कहां गिरूं जहां पर चोट ना लगे, मुझे क्षति ना मुझे पहुंचे। तो मैंने पूरे संसार में दृष्टि घुमाकर देख ली, वो
मुझे कोई कोमल स्थान नहीं दिखा, एक ही दिखा और वो थे मेरे राघव के चरण। इसीलिए मैं अपने प्रभु के चरणों में गिर गया। इनसे कोमल और क्या हो सकते हैं। और इधर हनुमान जी प्रभु श्री राम जी को और वानर सेना को लेकर समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। और उधर विभीषण जी रावण को समझाना चाहते हैं, लेकिन रावण को समझ नहीं आती। रावण ने पद प्रहार किया और विभीषण जी को निष्कासित कर दिया। विभीषण जी चल पड़े उन्हें मिलने के लिए जिन्हें वो अपना सर्वस्व मानते हैं, प्रभु श्री राम से मिलने के लिए। कहते जैसे ही समुद्र को पार कर वो दूसरे तट पर पहुंचे तो उनकी भेंट सबसे पहले किससे हुई? सुग्रीव जी से। सैनिकों ने कहा, महाराज सुग्रीव कोई मिलने आया है। कावा दशानन भाई, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? वो शत्रु का भाई है। जय महाराज जी। हमने तो देखा भी नहीं है, बात भी नहीं की है, हम जानते भी नहीं है।